सूरीनाम के जनता, आप हरि को आज मानदाह भी फरवरी की 24 तारीख के लिए आकाशवाणी त्रिशूल के दैनिक समाचार से सभी को अस्सलाम वालेकुम नमस्कार करते हैं। हमारे देश के जनता ऑनलाइन सनराइज एफएम सूरीनाम नीदरलैंड फेसबुक यूट्यूब जहां तक हमारे वास पहुंचत हैं। आप लोगों को बहुत से प्यार और मोहब्बत के साथ मैं याद फरमाता हूं और आज एक बार फिर कोशिश करबे आप जनता के नाम पर खबरों को बयान करने के लिए, दैनिक समाचार को रखने के लिए। जनता देखो, देश में बड़ी बवाल मचल बा ना, और दाखबला सूरीनाम से आज मैं खिदमत करने जा रहा हूँ। यहाँ पर बयान है, तो हमारे देश के जनता पता ना है कौन सी होने वाला है, मार बड़ी बबाल हो रहा है। वानिका के सिपाही फ्राइडाख के रात के एनन दर्तक यारख क्लेंसोन, अब तो ये नाती होगा या पोता ना, हाँ, इन्हें गिरफ्तार किया गया। एक ऊपर इल्जाम है कि अपने नानी या आजी को, हाँ, एक आजी या नानी बहिन जो फकांसिस आयल है नीदरलैंड से, ओकर ऊपर हमला करी से और भोग दीजवा, वो कोशिश करी से अपने आजी या नानी को बरोफ करने के लिए। देखो तो कौन ची करे लोगन, है अंदर सुख से सामने आवे की फरदख्तुआ अपने आजी या नानी को लेफ देश है सफन गल डम्बोड़गु ना, वहां पे दोनों जने इतना मजे में खाना पीना करी से बीर पियान है, है? और अब घरे जा है तो गाड़ी दुकान के सामने बोले तनी पेशाब कर ली, हाँ नौजवान तो उतरल इनन दर तक यार के नाती या तो पोता और ओतो में बैठल लौकर आजी या नानी, अभी का करे पाछे कमाड़ी खोले है और सेफ उन सख यार के बुजुर्ग को ये अब कोशिश करके ना, अब मांगे है योकरो करे भैया जान से मारे। अभी सब सब सुनीगा तो बड़की फुआ है खाला लोगन ना चच्ची लोगन डरेंगे फकांसी सावे के, सोची है रोबिया पकड़ के भोक ना दे या गटाई ना दबा दे, है तो जनता फरदाख्त बुढ़ीवा खूब मारी समान, ये बड़ी खराब चीज करी सी नौजवान और बेचारी बुजुर्ग के फ्रैक्चर होगी हाथ में, खून से लथपथ बेचारी डाम पे गिरल रहा जब सिपाही आये तब। अब नौजवान कौन ची फरकलार करे है, बोले मनेर फरदख्त बोले है कि हम लोगन के तीन गो क्रिमिनेलन कोशिश करके मांगी सरोफ करे और बोले हम अपनी बुजुर्ग से इतना मोहब्बत करी ला ओके बचाई ला हम। अब ये फरकलारिंग दाखबलात पलवार से जब बतावे खरोत मुदर बुजुर्ग बोले है कि नाती या पोता ई बदमाशी करी सेगा, बोले हमें शाल से हमार मांगी जान से मारे पैसा मांगत रहा, कामरा बेलदन पर भी दिखावे है कि तीन जने और न रहा उ केस में। खरोत मुदर के हड्डी पसली टूट गए बेचारी के, ऐ इनंदार तखियार के लड़का उकर है, नाती या तो पोता हवालात में बैठा है और बुजुर्ग जो नाई रहा फकांसी से, ऐ बड़की फुआ हमार उसिकन है उसमें है, भला ही चीजवन खातू आई रहा बेचारी तो घूमे आई रहा, बाकी ऐसा ऐसा नीच नाती पोतन पैदा हो जाएगा जो नहीं सब चीज कर दे बुजुर्ग लोग के संगे, शर्म चाही मान। देश के जनता ये बात अखबार में था तो मैंने आपको बताया है, जानक चाही कि का हो है मन हंग सिख अप इन वोनिंग, तो जनता ये बात भी भइल है। आख्तम फैफ तखियार के नीदरलैंडर पे एन गुजर हुए फ्राइडाख को अपने आप को लटका दिया है बैजुस्त्रात में, सिपाही को अंदर सुकवा बोले है कि अदमिया फ्राइडाख की अपने के लटकाइस है और सनिचर 22 तारीख को वापस होलैंड जाता, एक रोज जाने से पहले ही जा करके ततई से अपने आप को लटकाया है और परिवार बोले सिपाही से कि इस खियातर के बहांदलिंग में रहा, अबे ना पता काहे अदमी आई चीज वा करीस बा, मार उपम्बार मिनिस्टेरी लाश को पलवार के दे दी छाए और बोले देख तू लोग जाओ, हाँ इनका अंतिम संस्कार करो। देश के जनता दखबलात में ये बात बयान करल गयल हम आप लोग से बताईला, और यहाँ पर भी बयान करल गयल है यूरिनेरन द मन ओफर फलन एन नेरखस्तोकन, तो हम ना बोलब की मोई भइल है ना, ना ठीक है कोई अगर बरूफ हो जा है और भोग देवे हो कि ते सब चीज ना मोई है, लेकिन गहरी रात में आप लोगन है, गहरी रात में आप लोगन पजामा खोल के निकार के लगो प्लाशो करे है पेशाब करे मलिज घर दाम कंती भैया, ई मनीरी कब छोड़ियो, देखो पेशाब करते में भाई है
पेशाब न कर तो दाम कंती, कहीं नेचस दरी खोज ले तो ए कई सब चीज तो के ना मिती करत। सेंट्रम के सिपाही भैया मेल्डिंग के ए बरोफिंग के मेल्डिंग पावे है पोप की जारी लदसमा सरतिया में बना दिल दुआ रतिया घूमत रहा। बोले तनी पेशाब लगल बेसमा से उतर के बोले हल्लीस कर ले मान। हाँ डाम कंती कर ले ना। हाँ वेल प्लास जिसे कहते हैं सरनाम में सब कुछ जायज है ना। तो निकार के भैया अपन प्रोग्राम चालू किया ना। हाँ ई पजामा खोल के निकारी झंडा और झंडे में से ये ना हाँ कारोबार शुरू कर रहा है। अचानक कनपटी पे तीन तीन तमाचा लगल भैया सब पेशाब कर बंद हो गए। झगड़ा शुरू हो गया ना तो पेशाब बंद होगा कि नहीं। घबरा गया भैया ताश में से 150 असर दे मोबाइल टेलीफोन चोरवन लेके चल गए। ई भैया के एक तो ताश चल गए 150 रुपया चल गए पेशाब भी बंद हो गया। बड़ी बबाल भैया वही करतीन बोलीला गहरी रात में भाई लोगन डाम कंती खड़ा होकर के सब कौन चीज मचैले बाटे। आप लोगन भैया बड़ी लात खाई है और सिकन हैस गैल पुत ऐसन दहलब गैल है और बैतले फंस खफार है। तो ये सब चीज ना करो का दिन है का रात है भैया। अरे टॉयलेट में जाओ कहीं पर ना इडाम कंती निकार के अपन अपन मटेरियल आप लोगन पेशाब करत बाटो भैया। शहर के जहां जहां से गुजरो खाली पेशाब के गंध मारे भाई। ई खड़ी भरी बड़ा मोई चीज है बैतल अंदर भी ना आइए इतना पेशाब गंधा है और एक भाव पेशाब करत बाटो आप लोगन पता ना है सब चीज वनी देसुआ में कब दोन होई। परदेश जाओ है तो डाम कंती ना पेशाब करो है जैसे टॉयलेट जाओ बूटू लगी ना अपने घर में बूटू ना लगो है वही खर्ची चारों कंती करते चलो पेशाब जहां पे मन कर जाए। ये कौन चाल पकड़ ले आप लोगन यार है बड़ी दिन के मुसीबत है पता ना है जनता ये सब चीज कब दोन होएगा ना मोई चीज है मान है। अरे भाई कौन सहूर है मान देश के जनता हम आप लोगन से बताइला और ये सब चीज बड़ी बलंग रेक बमान तुरिस्तन दिखलाख ओग दत हेल सेंट्रम फ्रॉम पारामारी बहु नार यूरिन स्टिंक हमारे भाइयों एंड दिस इज एरख जनता द कनीत दत को नवनी है बा हमारे देश के जनता। यहां पर हम आप लोगन से बता देला ना ई सब चीज आप लोगन के नाम पर दाखबलात से बयान करल जाएगा और यहां पर देखो परचाया लुहूर का फोर से तर बोलेगा कि हम लोग ना बाटी और रह में पसले संद पारते आई सोमो हर जो पौल ई फोर से तरह परचया लुहूर का और भाई साहब द्रियंत्वन तक फेब्रुवारी को कल ये अपने लेदन के साथ पेयल सेंटर में होफ्तवेंकल बस ब्रुख के नीचे बहुत पकेत ना फरपाक करवाई से बासस खुदर के साथ और देश के जनता ई पकेतवा ई लोगन के मासा मीटिंग में सस्ता में जनता को बेचा जाएगा। सो मोहर जो दाखबलात से बोले हैगा हम पेलिंग पे गौर ना करीला। हाँ ई दोस और निकोस के नहीं नहीं बोले हमार पार्टी ना खुद अपन पेलिंग बनावे हैगा और हम लोगन जबरदस्त पेलिंग बनाते हैं। बोले हम लोग के पेयल जो है परचाया सबसे बड़का है और मासा मीटिंग हम लोगन के ना देख ले तू लोग कितना दुर्गबा। बोले मनई लोगन दूर दराज से आते हैं सिर्फ परचाया लुहूर से मोहब्बत के लिए। ये बात पौल सोमोहर जो बोले हैं बोले हम लोग के पढ़ते ही देखिए हिला देगा। तो सूरीनाम के जनता और बोले हैगा कि ओकर पढ़ते ही एनडीपी देसी बाउतरस के साथ न काम करेगा। तो ऐसे आदमी को अब हम क्या कहें भैया ना। हाँ अब काम ना करी लेकिन एक जबाना काम करे रहलो भाई। ये पॉलिटिक क्षेत्र पर पता नहीं हमार भाई लोगन का का बोलल करे है और आखिरी में गले मिलजुल करके देश चलाते हैं। तो सूरीनाम के जनता ये बात भी काबिले गौर है ओही खर्तिन हम आप लोगन से बताएला भैया लोगन समझाएला रोच आप लोगन के आई के कि पॉलिटिक ना पॉलिटिक खली एर ताप चाहे जोन पड़ते के बाटो वो मर्जी आपका है ना। लेकिन एक काम आप लोगन जो हरदम करते हो ओके ना करियो गुजारिश करीला कि हम लोग सब कोई इस देश में और सूरीनाम के लड़के हम लोग हैं सभी हम लोग सूरीनाम देश के
इस मातृभूमि के बच्चे हैं और पॉलिटिक पार्टी के पीछे हम लोगन चाहे अलग अलग पार्टी से है लेकिन पॉलिटिक के पाछे हम लोगन के ना चाहिए एक दूसरे के से लड़े के एक दूसरे से झगड़े के हम लोगन के ना चाहिए भूल जाए के कि हम लोग इस देश की जनता है जिसमें इन है प्यार है और मोहब्बत है एक दूसरे से। माना कि पॉलिटिकल पार्टी अलग हो लेकिन हम तो एक है भैया, इस देश के हम लोग बच्चे हैं तो मिलजुल के रहना है। देश के जनता ये हमारा पैगाम है। अच्छा लगी तो ले लियो भैया और अगर ना मोई लगी तब का करी डाम कंती कहीं छोड़ दियो ना। लेकिन ये सब बात आप लोग के नाम पर मुझे बयान करना बड़ी जरूरी है। हमारे सूरीनाम के जनता बड़ी दुख की बात यह हैगा वीकेंड में कटाउल भइल बा वेल खदाख से ही वह के बात हम करीला। एक बाप ने नशे में भैया कुछ दिनों से ये बाप और ये बेटा एक दूसरे से नामो ऐसे रहत रहा, लड़े कटे गाड़ी वगैरह होता था शराब से और अचानक सनिचर के मामला गड़बड़ाई गए। बाप ने अपने अख्तन दैर तखियार के बेटा को काट दिया है, इस कदर काट दे इसगा कि नौजवान ई देहांत हो गए हैगा। बड़ी दुख की बात है, क्योंकि दुख की बात इसलिए है क्योंकि हम रोज आकर के ये पैगाम दे के जाते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहना है, हिल मिल के रहना है, लेकिन हमारी जनता समिमते आएगी उन्हों या उस खबर तेखनोफर खस्तल और पता ना है कि इतना सब कब तलक चलेगा मेरे भाइयों। लेकिन ई बाप ने अपने बेटा को मार दिया है जान से ना मोई चीज बा। और एक सिपाही अपने जिंदगी के बुलंदी पर जो था काम काज में बेचारा लगल रहा वो भी फरकेर में ई अपने मऊतर फित से जा करके इस कदर फ्रंटाल चोटान हैगा। ऐ देश के जनता ई सब चीज बड़ी मुइलक बा। बेचारा कार्य में था और घर न लौट सका, देहांत हो ये है। तो ई सिपाही इनकर फैमिली को जनता या इनकर फैमिली को हम लोग त्रिशूल एफएम से कोंडोलेर करीला हेला रखियामर ना कि ये पॉलिसी अमतनार जो है फरकेर में भैया ई लड़का देहांत हो गए बा। बहुत दुख के बात है ना और बड़ी अफसोस की बात हैगा कि ये सिपाही जो है निधन हो गया। हमारे देश के जनता यहाँ पर हम आप लोगन से बताएला और ये सब बातें आप लोगन के नाम पर भी बयान करना जरूरी हैगा ना कि आप लोगन के चाहिए ना एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहे के ना। हाँ झगड़ा ना करियो ना मोई चीज बा। मथुरा फ्राख ऑफहेल्डरिंग अन प्रेसिडेंट अंसखाफ फूर तोयखन तो असेंबली लेत कृष्णा मथुरा फे यहाँ पे ही के बा उ फराखस तैल कर इस बा माखे सब कोई के पूछे। अरे कुछ न जनिए तो पूछ सके तो उ प्रेसिडेंट दे सिरे दलानो बाउतर से पूछेगा कि काहे के मोटर गाड़ी किनान है स्कोटू के लिए एंड फॉर द फेयर्स मिनिस्टेरिस मथुरा मांगे जाने से विल वेट काहे के रुदिशा। हाँ काहे रुदिशा के ले लो काहे तू ओपन बार आन बसते ही देख नकल प्रेसिडेंट तो ऐसे बात है गा। और कृष्णा मथुरा फ्राखस तैल करिस है या और जनता अभी जरूर भैया ना जवाब इसके चाहिए जरूर जवाब चाहेगा मिले के और देश के जनता कृष्णा मथुरा बोले रुदिशा लगे से प्रेसिडेंट काहे की नानबा ना काहे के प्रेसिडेंट तू ओपनबार आन बस्तेदिंग न कर ले तो देश के जनता ही बात स्टार न्यूज पर रहवा और हमारे के कर्तव्य है ये फर्ज बनता है आप लोगन के नाम पर बयान करने के लिए। सो मैंने बयान कर दिया है ये बातें और आज के लिए मैं अब दैनिक समाचार को रोक रहा हूँ। मोई से रहियो, झगड़ा लड़ाई ना करियो ना और इस सब चीज से कोई फायदा ना है कटे मरे से ना। और दयानंद द्वारका दाखबलात में बोले वेल पार्स प्रेसी ऑफ आर बेदर्स बकोफ इंडस्ट्री निकेरी। तो दयानंद द्वारका फोर सेतर बकोफ आर बेदर्स बोन निकेरी के बाबन का है बेया बेयन का दाखबलात सूरी नाम से बोले है कि सच बात है कि कम करतन पर दबाव डाला जा रहा है बकोफ बदरेफ निकेरी के ना। बोले परमारी बहु चाहिए आवे के उलोगन के ई
इन फरबान में दख फंद रेफोली थी, बोले मनाई लोगन से बोलल गयल है कि पैसा ना पइयो अगर ना आइयो तब ना। और द्वारका बोले है कि ये पॉलिटिक बदराइफ सब करे है ना मोई चीज है। ये बात भी दखबला सूरीनाम में दयानंद द्वारका बताइएगा। जोगी बोले एनडीपी इस पॉलिटिकल फरसोइपन ना, ये बात महेंद्र जोगी बतावे है। तो देश के जनता आज के लिए दैनिक समाचार ब्रॉन फॉर्मेल्डिंग बहुत फरप्लेक्स बा। इस सब चीजवन हम अपने घर से लिख के ना लैली बाटी, दखबला सूरीनाम में बयान था, सो मैंने आप लोगन के नाम पे रखना है। मोई से आप लोगन रहियो और फरकेर में बचाई के चोरन चपाटन से बचाई के अपने बच्चन के मोई से ख्याल करे। अस्सलाम वालेकुम नमस्कार करते हुए मैं चलता हूँ, और जिंदगी अगर मेरा रहा बाकी तो इंशाल्लाह मैं फिर आऊंगा। अच्छे से रहना है, घुल मिल के रहना है, लड़ना नहीं है, मोहब्बत फैलाना है, बस यही रह जाता है दुनिया में आपके जाने के बाद। शुक्रिया, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे।